जीवन की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है बाज पक्षी की, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चींचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर नीले आसमान में सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती है। जब मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, इतना ऊपर जितना कि हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और धरती से इस 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस मादा बाज को लगभग 7 से 9 मिनट का समय लगता है, और यहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की सबसे कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ पर बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है और तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। अब जब वह नन्हा चूजा धरती की ओर तेजी से गिरने लगता है, तो लगभग 2 किलोमीटर आने पर उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन 7 किलोमीटर गिरने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं, और लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। यही उसके जीवन का पहला दौर होता है जब उस बाज का बच्चा अपना पंख फड़फड़ाता है। अभी भी वह धरती से करीब 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ना सीख नहीं पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह अपने इलाके को देख सकता है। उस समय उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह उड़ सके। जब वह धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर होता है, तो उसे लगता है कि आज शायद उसके जीवन का अंतिम दिन है। फिर अचानक होता ऐसा है कि एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और ठीक ऐसे ही उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वह उड़ना सीख नहीं जाता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस नन्हे बाज की यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। और एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आज हो सकता है आपके जीवन में टफ टाइम चल रहा हो सकता है जो आपका गोल है उसके लिए आपसे कड़ी मेहनत भी ली जा रही हो, लेकिन घबराना बिल्कुल मत। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप इसी भीड़ से उठकर इस जीवन के बुलंदी तक पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि साथियों, गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।